ग्वालियर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने मैदान किया। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रवीण पाठक ने मतदान के पश्चात कहा, निश्चित तौर पर ग्वालियर में परिवर्तन की लहर है और आपको ये लहर देश में देखने को मिलेगी। पिछले कई वर्षों से जो ग्वालियर का विकास रुका हुआ है, मुझे विश्वास है कि ग्वालियर की जनता अपने शिक्षित बेटे को संसद में भेजेगी। 2023 का विधानसभा चुनाव प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर कैसे मेरा चुनाव लूटा गया, यहाँ आप सबके सामने है। लेकिन इस बार ग्वालियर की जनता सकारात्मक रूप से मतदान के लिए निकली है। अंचल की चारों लोकसभा सीटों पर काटे की टक्कर के सवाल पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने कहा कि मैं बीजेपी की तरह से कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। निश्चित तौर पर ग्वालियर में परिवर्तन की लहर है और ये लहर आपको देश में दिखेगी। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3 दशकों से जो ग्वालियर का विकास रुका हुआ है, जो विकास में अवरोध है, वो अवरोध को हटने का समय आ गया है और इस बार ग्वालियर लोकसभा अपने शिक्षित बेटे को देश की संसद में भेजेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 2023 का मेरा विधानसभा चुनाव, आप सभी मीडिया साथी खड़े हुए हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके कैसे मेरा चुनाव लूटा गया, कैसे हराया गया, कैसे SC ST और माइनॉरिटी के पोलिंग बूथ पर वोट न डलने दिए, जिसमें जो कि आप सबके सामने तथ्यात्मक तौर पर मौजूद है। पर इस बार मुझे लगता है कि ग्वालियर की जनता जनार्दन पूरे सामर्थ्य के साथ, मेरे युवा साथी पूरे सहयोग मुझे कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार हम लोग सकारात्मक परिणाम हासिल करेंगे।